चंद्रचूड को आया गुस्सा, महिला के सम्मान के लिए वकील को लगाई फटकार। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अक्सर अपने कड़क फैसलों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए जिनकी चर्चा हमेशा होती है और यकीनन आगे भी होती रहेगी। फैसले के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड जो बात कहते हैं उसको लेकर भी खूब चर्चा होती है। कई बार गुस्से में किसी को फटकार लगा देने वाले चंद्रचूड को एक बार फिर कोर्ट में गुस्सा आया। इस बार उनकी निगाहों में एक ऐसे वकील साहब चढ़ गए जो कोर्ट में महिला का अपमान कर रहे थे। बस फिर क्या, जस्टिस चंद्रचूड ने भरी कोर्ट में वकील साहब को लताड़ लगा दी। जस्टिस चंद्रचूड ने साफ पूछा, ये क्या तरीका है, आप घर पर भी ऐसे ही बिहेव करते हैं क्या? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक सीजेआई चंद्रचूड को गुस्सा आ गया। तो हुआ ये कि एक वकील साहब कोर्ट में अपना केस उठा रहे थे, लेकिन माइक पाने की चाहत में वो कुछ ज्यादा ही हाथ पैर मारते हुए नजर आए। वकील के इस रवैये से पास में मौजूद एक महिला काफी परेशान हो रही थी। ये सब देख जस्टिस चंद्रचूड से रहा नहीं गया और उन्होंने वकील को भरी कोर्ट में फटकार लगा दी। सीजेआई ने वकील से कहा, ये आप क्या कर रहे हैं, आपके सामने एक महिला बैठी है, आप देख नहीं रहे हैं, कुछ सम्मान दिखाइए, आप घर और बाहर भी इसी तरह से बिहेव करते हैं, आप माइक पाने के लिए महिला के चारों तरफ अपना हाथ रख रहे हैं, अब वापस जाइए और कल आना, कुछ सम्मान दिखाइए। जस्टिस चंद्रचूड को जिस तरह से गुस्सा आया उसे देख कोर्ट रूम में मौजूद हर कोई सहम गया। हालांकि सोशल मीडिया पर जस्टिस चंद्रचूड की जमकर तारीफ हो रही है। यूजर्स कह रहे हैं कि इतने कड़क तेवरों से ही काम चलता है अब तो। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये कोई पहली बार नहीं जब सीजेआई को इस तरह से गुस्सा आया हो, बल्कि अक्सर उनका रौद्र रूप देखा जाता रहा है। कुछ वक्त पहले की बात है जब सीजेआई ने कोर्ट रूम में ऐसे ही एक और वकील को हड़काया था। दरअसल किसी केस की तारीख 17 अप्रैल मुकर्रर की गई थी, जबकि वकील 14 अप्रैल को सुनवाई की जिद कर रहा था और इसीलिए वो किसी दूसरी पीठ के समक्ष इस केस को ले जाने की अनुमति मांग रहा था। ये देखकर सीजेआई भड़क गए और कहने लगे कि मेरे अधिकार के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, सुनवाई 17 में होगी तो 17 में ही आइएगा। वैसे कुछ वक्त पहले सीजेआई तब चर्चा में आए थे जब राष्ट्रपति मुर्मू ने उनकी मौजूदगी में एक बड़ा बयान दिया था और लॉ एंड ऑर्डर ठीक से बरकरार रखने की बात कही थी। मुर्मू ने इस दौरान क्या कुछ कहा था उनके बयान के साथ आपको छोड़े जा रही हैं। फिलहाल सीजेआई चंद्रचूड को जिस तरह से वकील पर गुस्सा आया उसे लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बिफोर आई कंक्लूड आई से समथिंग, मैं आज इसीलिए यहाँ कहना चाहती हूँ कि यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट और बहुत सारे जजेस, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के एडवोकेट्स, लॉयर्स, बहुत सारे विद्वान व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे केसेस हाई कोर्ट में फाइनल होता है, बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट लेके जाते हैं, जो केस जिनके फेवर में है, जो पॉजिटिव है वो नाचते हैं, गाते हैं, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, चलिए देर है लेकिन अंधेरे नहीं, इसीलिए वो खुश होते हैं, लेकिन उनका खुशी कुछ दिन में ही वो गायब हो जाता है, क्योंकि जिसके लिए वो खुश होते थे वो उनको मिलता नहीं, जिसके लिए इतने दिनों से समय, रुपया बर्बाद किए, कितने रात नहीं सोए इंतजार में, वो आज मिला इसीलिए वो खुशी है, लेकिन कुछ दिन के बाद जो वो खुशी एक्चुअल खुश में कन्वर्ट नहीं होता तो वो फिर दुखी हो जाते हैं। मैं एक छोटी सी गांव में से आई हूं, वहां एक छोटी सी मेंबर में थी फैमिली काउंसिलिंग सेंटर के। हम क्या करते थे, कुछ केसेस फाइनल होने के बाद हम रिविजिट करते थे, वो जो केस हम फाइनल किए एक्चुअली वो ठीक ठाक है कि नहीं, वो फैमिली वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, ठीक ठाक है, मुझे पता नहीं, ये जो प्रोविजन है कि नहीं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं,
अपने वर्डिक्ट लेके आते हैं, मैडम मुझे तो केस तो जीत गया लेकिन मुझे जो मिलना चाहिए, जो जस्टिस मिलना चाहिए मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे पता नहीं उसका कुछ रास्ता है कि नहीं। मैं अभी चंद्रचूड़ साहब से, चीफ जस्टिस से मैं बातें करती थी, उन्होंने बोले हाँ ऐसे केसेस है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं, उन्होंने बोले कॉन्टेम्प्ट केस कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं कॉन्टेम्प्ट केस करने के बाद फिर शुरू से मुझे फिर वही दोहराना पड़ेगा, वही मुझे फिर 20 साल जाना पड़ेगा, फिर 7 साल मुझे इंतजार करना पड़ेगा, फिर मुझे 10 साल इंतजार करना पड़ेगा, मुझे पता नहीं उसका कुछ रास्ता है कि नहीं। आप सब जजेस बैठे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट बैठे हैं, मुझे पता नहीं उसका रास्ता है कि नहीं। सरकार के गवर्नमेंट के एक लॉ मिनिस्टर बैठे हैं, उसका रास्ता मुझे लगता है क्योंकि मैं एकदम निचले लोगों से रिलेट करती हूँ, मिलती हूँ, मुझे लगता है उनको सही महीने में जस्टिस मिलना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, मुझे लगता है इसका रास्ता जरूर होगा। नियम हम बनाते हैं, नहीं ये तो बनाना चाहिए थोड़ा, उनको तो न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास, मैं भेजूंगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, मेरे पास तो पहुंच नहीं पाते अभी, पहले तो पहुंच पाते थे लेकिन मैं भेज देती थी और कहां गायब हो जाता था मुझे पता नहीं, लेकिन अभी मेरे पास जो है मैं जरूर आपके पास भेजूंगी। मुझे लगता है उनको एक्चुअल खुशी मिलना चाहिए, एक्चुअल न्याय मिलना चाहिए, जाए तो कहां जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के बाद और कोई तो कोर्ट शायद नहीं है। मैं इसी के साथ माई बेस्ट विशेष विल बी विथ यू इन ऑल योर इंडिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। बिफोर आई कंक्लूड आई से समथिंग, मैं आज इसीलिए यहां कहना चाहती हूं कि यहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाईकोर्ट और बहुत सारे जजेस सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के एडवोकेट्स, लॉयर्स, बहुत सारे विद्वान व्यक्ति यहां बैठे हैं, बहुत सारे केसेस हाईकोर्ट में फाइनल होता है, बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट लेके जाते हैं, जो केस जिनके फेवर में है, जो पॉजिटिव है और नाचते हैं गाते हैं,